कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस का संकल्पना और इसके कंपोनेंट्स हमने देखा है कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं तो इंटरनल सरफेस के हर एलिमेंट पर ट्रैक्शन होते हैं स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इंटरनल सरफेस पर कैसे होता है फिगर वन ए एक आर्बिट्रेरी इंटरनल सरफेस दिखाया गया है जिसे बॉडी का कुछ हिस्सा हटाकर एक्सपोज किया गया है इंटरनल फोर्सेस को इस कटे हुए फेस ए पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है और हम ये जानना चाहते हैं कि इन फोर्सेस की इंटेंसिटी पॉइंट पी पर क्या है इसके लिए हम पॉइंट पी के आसपास के एलिमेंटल एरिया डेल्टा ए को कंसिडर करते हैं एरिया ए सेक्शन ए के एरिया की तुलना में बहुत छोटा होता है लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग की तुलना में काफी बड़ा होता है एलिमेंटल एरिया डेल्ट ए पर इंटरनल फोर्स को एक रिजल्ट रूप से डेल्ट एफ और डेल्ट एम सर्फेस के नॉर्मल एन से इनक्लाइंट होते हैं हम अब स्ट्रेस फैक्टर ऐसा एन को पॉइंट पीपर सेक्शन ए जिसका आउटर नॉर्मल एन होता है, पर करते है जो की इंटरनल फोर्सिस की इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया है इसलिए हमारे पास है स्ट्रेस वेक्टर एन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है जब एरिया जीरो के पास पहुंचता है तब फोर्स के चेंज और एरिया के चेंज के रेशियो का लिमिट लिया जाता है यह फोर्स के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरिवेटिव के बराबर है स्ट्रेस वेक्टर एन के रिस्पेक्ट में फोर्स के चेंज और एरिया के चेंज के रेशियो के बराबर होता है हालांकि स्ट्रेस की यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये केवल दिए गए पॉइंट पर स्ट्रेस का एवरेज वैल्यू देती है हाइपोथेसिस हमें स्ट्रेस को और अधिक प्रिसाइसली डिफाइन करने में सक्षम बनाती है जैसा कि स्ट्रेस एन के रिस्पेक्ट में चेंज और के 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 बराबर है जब एरिया जीरो के पास पहुंचता है यह फोर्स के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरेवेटिव है हम यहां मानते हैं कि इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है और यूनिक है और यह जलते ए के शेप या जलते ए के जीरो की तरफ पड़ने के तरीके पर निर्भर नहीं करता है आम तौर पर स्ट्रेस वेक्टर SFN को उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में व्यक्त किया जाता है फिगर 1.8b में डेल्टा F फोर्स के नॉर्मल N और टेंजेंशियल T डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स डेल्टा N और डेल्टा FT को दिखाया गया है हम अब नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस को इस प्रकार डिफाइन करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा NN एन इक्वल एन लिमिट जब एरिया 0 के पास पहुंचता है नॉर्मल फोर्स में बदलाव और एरिया में बदलाव के रेशियो के बराबर होता है ये नॉर्मल फोर्स के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरिवेटिव है शिव स्ट्रेस के लिए इक्वल लिमिट जब एरिया जीरो के पास पहुंचता है टेंजेंशियल फोर्स में बदलाव और एरिया में बदलाव के रेशियो के बराबर होता है ये टेंजेंशियल फोर्स के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरिवेटिव है हम टेंजेंशियल फोर्स एफ टी के कम्पोनेट्स को किसी भी दो ऑर्थोगोनल डेक्शन जैसे टी वन और टी टू में प्राप्त कर सकते हैं और फिर शेयर स्ट्रेस के दो कम्पोनेट्स होंगे अर्थात TNT1 और एलिमेंटल सर्फेस के कोऑर्डिनेट एक्सिस को स्ट्रेस कॉम्पोनेट्स को सुविधाजनक तरीके से इंडिकेट करने के लिए सूटेबली सेलेक्ट किया जा सकता है एलिमेंटल सर्फेस की ओरिएंटेशन के लिए सामान्यतया स्ट्रेस के तीन कॉम्पोनेट्स होते हैं एक नॉर्मल सेन और दो शेयर कंपोनेंट्स टेन टी वन और टेन टू ये कंपोनेंट्स उस पॉइंट से गुजरने वाले विभिन्न सरफेस एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होंगे फिग 1.9 में बॉडी के पॉइंट पी से गुजरने वाले सरफेस एलिमेंट्स के तीन ओरिएंटेशंस दिखाए गए हैं फिग ऑफ वन ए में एलिमेंट का आउटर नॉर्मल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है और इसलिए इसलिए ये पॉजिटिव एक्स फेस है जिसमें स्ट्रेस के कॉम्पोन वाई और होते हैं ये कॉम्पोनेट्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं और इसलिए हमारे कन्वेंशन के अनुसार ये पॉजिटिव होते हैं इसी तरह फिग वन बी में पॉजिटिव वाई फेस पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स कॉम्पोनेट्स और दिखाए फिग वन पॉइंट नाइन सी में पॉजिटिव फेस पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स कम्पोनेट्स एक्सड वाई दिखाए गए हैं इस स्टेज पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि स्ट्रेस्ड बॉडी के किसी भी पॉइंट के थ्रू सरफेस एलिमेंट्स की हालांकि उस, उस किसी दिए गए सेट ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में केवल अफोर्सेड सेड नाइन स्ट्रेस कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है ताकि उस पॉइंट पर स्ट्रेस स्टेट को पूरी तरह से स्पेसिफाई किया जा सके हम अब रिकॉल करते हैं कि एलिमेंटल सरफेस डेल्टा ए पर एलिमेंटल फोर्स डेल्टा एफ के अलावा एक एलिमेंटल कपल डेल्टा एम भी मौजूद होता है um, हम सरफेस एलिमेंट पर आयत पार्टिकल को उसकी पोजीशन वेक्टर आर आई के रूप में पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं जैसा कि फिग वन पॉइंट वन जी में दिखाया गया है यदि इस पार्टिकल पर इंफिनेटेसमल फोर्स डी फाय हो और कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी कपल डी माई हो तो डेल्टा एम को इस प्रकार लिखा जा सकता है पहला इक्वेशन डेल्टा एम आई इक्वल टू वन से एन तक के सम के बराबर है जिसमें आर सब आई डी फाइव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है और दूसरा सम डी माई है दूसरा इक्वेशन हम कपल स्ट्रेस वेक्टर एम ऑफ एन को डिफाइन करते हैं जहां डेल्टा ए जीरो के करीब होता है और डेल्टा एम को डेल्टा ए के रेशियो में लिया जाता है तीसरा इक्वेशन बॉडी कपल्स की अनुपस्थिति में कपल स्ट्रेस वेक्टर वैनिश हो जाता है क्योंकि डेल्टा ए जीरो के करीब होता है और डेल्टा एम ओवर डेल्टा ए का लिमिट आर सब आई का डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के लिमिट के बराबर हो जाता है अंतिम पार्ट और राइट हैंड साइड पर लिमिट वैनिश हो जाता है क्योंकि जब डेल्टा ए जीरो के करीब होता है तो आर सब आई जीरो के करीब होता है इस एलिमेंट्री टेक्स्ट में हम ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करेंगे जहां बॉडी कपल्स और कपल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हो इसलिए ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं आएंगे हमने देखा है कि किसी स्ट्रेस्ड कंटिन्यूम में किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस की स्टेट का मतलब उस पॉइंट से गुजरने वाले किसी भी एलिमेंटल सरफेस पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स का सेट होता है फिगर 1.9 में हमने सरफेस एलिमेंट की तीन अलग अलग पोजिशन को रेफरेंस प्लेन के पैरल दिखाया था और संबंधित स्ट्रेस कंपोनेंट्स को भी दिखाया था जो नाइन स्ट्रेस कंपोनेंट्स हमने प्राप्त किए हैं उन्हें आमतौर पर एक अल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि फिग वन पॉइंट वन एन में दिखाया गया है एक एलिमेंटल वॉल्यूम डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई वाई डेल्टा जेड को पॉइंट पी एक्स वाई जेड के चारों ओर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेड के रूप में आइसोलेट किया गया है पॉजिटिव एक्स फेस ए बी सी डी पॉइंट पी से नहीं गुजरता है और स्ट्रेस के कंपोनेंट्स वास्तव में पॉइंट पी एक्स एक्स प्लस वाई जेड पर एक्ट करते हैं हालांकि जैसे ही डेल्ट एक्स जीरो होता है पी और पी एक ही स्थान पर आते हैं और इसलिए इंफारेट स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए फेस ए बी सी डी को पॉइंट पी के थ्रू गुजरने वाला माना जा सकता है जैसा कि फिगर वन पॉइंट नाइन ए में दिखाया गया है इसी तरह पॉजिटिव वाई फेस एबीजीएफ और पॉजिटिव जेड फेस एडीएफ को भी पीक के थ्रू माना जा सकता है हालांकि हमने पाइपेड के बाकी तीन नेगेटिव फेसेस पर स्ट्रेस के कंपोनेंट्स नहीं दिखाए हैं वे भी इन फेसेस पर एक्सिस्ट करते हैं उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव फेसेस पर उनके काउंटर पार्ट्स से इनफिनिटेसिमली अलग होता है यह दिखाया जा सकता है कि किसी भी पॉइंट पर आर्बिटरी सर्फिस एलिमेंट पर स्ट्रेस फैक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस पॉइंट पर एक्ट करने वाले नौ कंपोनेंट्स के टर्म्स में स्पेसिफाई किया जा सकता है इन कंपोनेंट्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वीनियंटली लिखा जाता है और टॉप लेफ्ट एलिमेंट सिग्मा एक्स एक्स है टॉप मिडिल एलिमेंट टाउ एक्स वाई है और टॉप राइट एलिमेंट टाओ जेड है मिडिल लेफ्ट एलिमेंट टाउ वाई एक्स है मिडिल एलिमेंट सिग्मा वाई वाई है और मिडिल राइट एलिमेंट टाउ वाई जेड है और शेयर स्ट्रेसिस होते हैं स्ट्रेस के नाइन कम्पोनेट्स का सेट जिसे आमतौर पर सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है इसलिए स्ट्रेस टेंसर शब्द का उपयोग किसी पॉइंट पर स्ट्रेस की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है कॉम्पलीमेंट्री शेयर करेंगे एक एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरल ए बी बी सी सी डी और डी ए पर एलिमेंट इक्लेबरियम में है इसलिए एलिमेंट पर एक्ट करने वाली सभी फोर्सिस का मोवमेंट किसी भी एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए ए गुजरने वाली और जेड एक्सिस के पेरल लाइन के अबाउट फोर्सिस का मोमेंट जीरो करने पर हमें प्राप्त होता है tau xy times delta y times delta z times delta x equal to tau yx times delta x times delta z times delta y tau xy equal tau yx tau xz equal tau zx tau yz equal tau zy ये बताया जा सकता है कि मोमेंट इक्वेशन को ये मानकर लिखा गया है कि मटेरियल में कोई बॉडी कपल नहीं है साथ ही अन्य स्ट्रेस कंपोनेंट्स जैसे zz tz z आदि को fig one point टाव में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके कोरिस्पॉन्डिंग फोर्सेस उस मोमेंट इक्वेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं यह भी एम्फसाइज किया जा सकता है कि मोमेंट को फोर्सेस के लिए लिया गया है ना कि स्ट्रेस कंपोनेंट्स के लिए इसी तरह यह साबित किया जा सकता है टाओ एक्सडक्स टाओ जेड इक्व टू टाओ जेड वाई हम ये इन्फर कर सकते है कि right angles पर पर हैं कि राइट एंगल्स पर प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेसेस इक्वल होते हैं और इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस कहा जाता है सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर से हम देखते हैं कि स्ट्रेस कॉम्पोनेंस को देने वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है अर्थात लेफ्ट uh, मैट्रिक्स में सिग्मा एक्स एक्स टॉप लेफ्ट में है टाओ एक्स वाई टॉप मिडिल में है और टाओ एक्स जेड टॉप राइट में है मिडल रो में टाओ वाई एक्स लेफ्ट में है सिग्मा वाई वाई मिडल में है और टाओ वाई जेड राइट में है बॉटम रो में टाउ जेड एक्स लेफ्ट में है टाउ जेड वाई मिडल में है और सिग्मा जेड जेड राइट में है बराबर है राइट मैट्रिक्स के जिसमें सिग्मा एक्स एक्स टॉप लेफ्ट में है टाउ वाई एक्स टॉप मिडल में है और टाउ जेड एक्स टॉप राइट में है मिडल रो में टाउ एक्स वाई लेफ्ट में है सिग्मा वाई वाई मिडल में है और टाउ जेड वाई राइट में है बॉटम रो में टाउ एक्स जेड लेफ्ट में है टाउ वाई जेड मिडल में है और सिग्मा जेड जेड राइट में है स्ट्रेस्ड बॉडी कि के किसी पॉइंट पर केवल सिक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रेसोलिमेंट कंसिडर किया और रिमार्क किया कि उस एलिमेंट पर स्ट्रेस वैक्टर सामान्य रूप सर्फिस से आर्बिट्रली इनक्लाइंड होता है हालांकि ये हो सकता है कि किसी विशेष सर्फिस एलिमेंट पर स्ट्रेस वेक्टर उसके नॉर्मल हो और इसलिए शेर स्ट्रेस कंपोनेंट जीरो हो वास्तव में आ, किसी भी पॉइंट पर कम से कम तीन ऐसे सरफेस एलिमेंट्स होते हैं जिन पर कोई शेयर स्ट्रेसेस नहीं होते इन सर्फेसिस पर नॉर्मल स्ट्रेसिस को प्रिंसिपल स्ट्रेसिस कहा जाता है और उनके प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन्स कहा जाता है प्रिंसिपल प्लेन्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि केवल तीन डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल प्लेन्स हो यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन प्रिंसिपल प्लेन्स के परपेंडिकुलर चुनते हैं तो ये विजुअलाइज करना आसान होता है कि स्ट्रेस मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखा जा सकता है यहाँ सी वन सिक्स टू और सी थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ध्यान दें कि प्रिंसिपल प्लेन्स की परिभाषा के अनुसार शेयर स्ट्रेस कंपोनेट जीरो होते हैं देखें फिग वन तेन प्रिंसिपल स्ट्रेस और उनके डायरेक्शन की स्पेसिफिकेशन किसी पॉइंट स्ट्रेस की स्टेट को डिस्क्राइब करने का एक कन्वीनियंट तरीका प्रदान करती है